सो हे गाइस, वेलकम टू टेक एफएक्यू चैनल। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, यह है मेरे पास Redmi Note 7S। अगर आपके पास भी यही स्मार्टफोन है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। इस स्मार्टफोन में फाइनली आ चुका है MIUI 12 का एक न्यू अपडेट, जिसका Redmi Note 7 यूजर्स काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं आपको शो करूँ तो आपको कुछ इस टाइप से अपडेट मिलेगा, जो कि वर्जन है 12.0.1 और जिसका स्टेबल साइज़ है 579 MB, और आपको MIUI 12 के बेसिक फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसा आपको इस स्मार्टफोन में मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने इसको पहले ही अपडेट कर लिया है, तो आपको MIUI 12 करंटली रन होके मिलेगा इस स्मार्टफोन में। अगर मैं आपको शो करूँ सेटिंग्स में अबाउट फोन के अंदर, तो आप देख सकते हो MIUI 12 की एनिमेशंस, और अबाउट फोन में अपडेट में जाके MIUI 12 का करंट वर्जन इसमें रन कर रहा है। और अगर मैं आपको MIUI 12 की एनिमेशन दिखाऊं, तो आप देख सकते हो स्टोरेज में जाके जो विजुअलाइजेशन है वो कितनी कमाल की मिलती है, हम सभी को पता ही है। लेकिन गाइज, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो 1 अक्टूबर का मिलता है, ना कि 1 दिसंबर। तो अगर 1 दिसंबर का होता तो वो और अच्छी चीज़ होती, लेकिन अब जो मिलता है वो ठीक है। अपडेट में आपको न्यू अपडेट भी, सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिल जाएगा। और अगर मैं आपको न्यू चेंजेस के बारे में बताऊं, तो हम सभी को पता है, जैसे लॉक स्क्रीन में आप यूज़र इंटरफेस देख सकते हो, उसके अलावा डिस्प्ले ऑप्शन में आप यूज़र इंटरफेस देख सकते हो, वही आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप कंट्रोल सेंटर की बात करो, तो आपको न्यू कंट्रोल सेंटर मिलता है, जैसा कि हम सभी को पता है MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर। और उसके अलावा अगर बात करें नोटिफिकेशन सेंटर की, तो वो भी आपको सेम मिलता है। तो आपको MIUI 12 का पूरा अपडेट इसके अंदर मिल जाता है, और उसके अलावा आप वॉलपेपर देख सकते हो। और जो एनिमेशंस हैं, जैसे कि रीसेंट ऐप जैसे कि आप देख रहे हो, उसमें भी आपको न्यू एनिमेशंस ही मिलती है। और मेन जो इसमें चेंज है वो एनिमेशन का ही है, हम सभी को पता है। और जो मेन फीचर्स हैं, जैसे प्राइवेसी प्रोटेक्शन, आप किसी भी ऐप को परमिशन दे सकते हो या फिर डिनाई कर सकते हो, वो MIUI 12 का एक खास चीज़ है। और कैमरे के अंदर जो न्यू अपडेट आए हैं, जो न्यू इंटरफेस है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको देख सकते हो, ऑप्शंस आपको कई सारे मिलते हैं चेंज होके, और इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो वही सारे ऑप्शंस आपको MIUI 12 में मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और जो मेन चीज़ है गाइस, वो एनिमेशन का ही है। आप जैसे कि देखिए, जो एनिमेशन है ऐप ओपनिंग की या फिर ऐप क्लोजिंग की, वो काफ़ी अच्छी लगती है MIUI 12 के अंदर। लेकिन फिर भी जो ऐप ओपनिंग की एनिमेशन है वो ठीक है, लेकिन जो ऐप क्लोजिंग की एनिमेशन है वो अभी भी पूरी तरह से नहीं है। तो वो आगे फ्यूचर में शायद मिल जाए एनिमेशंस इस स्मार्टफोन को। और उसके अलावा गाइस, एक मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब से मैंने इसको अपडेट किया है, ये काफ़ी ज़्यादा लैग करने लग गया है। लैग पहले भी करता था, लेकिन क्योंकि हम सभी को पता है कि MIUI 12 कितना हैवी है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, तो वहाँ और ज़्यादा ये प्रॉब्लम करने लग गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी इसके अंदर कोई ऐप नहीं है एक्स्ट्रा, उसके बावजूद भी ये काफ़ी लैग कर रहा है। तो आप, अगर आपका फ़ोन भी लैग करता है, तो आप मत करना इसको अपडेट। अगर मैं आपको शो करूँ और एनिमेशंस, तो आप देखिए, जैसे ही आप स्क्रीन अनलॉक करते हो, तो आपको न्यू एनिमेशंस और ज़्यादा मिलती हैं। मैं आपको एक बार और शो करता हूँ। तो मेन चीज़ जो है एनिमेशन की है, हम सभी को पता है MIUI 12 के अंदर। और गाइस, मैं आपको बता रहा था, अगर आपका फ़ोन लैग करता है, तो आप बिल्कुल भी अपडेट मत करना, क्योंकि ये MIUI 12 काफ़ी हैवी है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन यूज़र इंटरफेस। और आप देख सकते हो, ये है एंड्रॉयड 10 की नेविगेशन बार, जो कि आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाती है, जो कि अभी तक पोको F1 में नहीं आई है। तो गाइज, यही था अपडेट इस स्मार्टफोन में, जो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास भी यही स्मार्टफोन है या फिर Redmi Note 7 Pro है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में अपडेट आया है या नहीं। तो गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।